गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर वन इन इंग्लिश लिटरेचर. फर्स्ट चैप्टर इज डक्स ऑन द वाटर. ये आपकी एक पोएम है. डक्स ऑन द वाटर, क्वैक क्वैक क्वैक, सेलिंग डाउन द रिवर एंड देन सेलिंग बैक. डक्स कहाँ है? वाटर के अंदर है और वो क्या कर रही हैं? क्वैक क्वैक कर रही है. डक की साउंड क्या है? क्वैक क्वैक. सेलिंग डाउन द रिवर एंड देन सेलिंग बैक. वो पानी में रिवर के अंदर मूव कर रही हैं डाउन और फिर वापस आ रही हैं. मदर डक लीड्स हर डकलिंग्स बिहाइंड ट्रिम लिटिल स्विमर्स इन अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन. जो मदर डक है वो उनको लीड कर रही है, उन्हें बता रही है आगे, वो चल के उनको बता रही है रास्ता. हर डक्स बिहाइंड, और उसके जो डक्स हैं वो उनके पीछे हैं. ट्रिम लिटिल स्विमर्स, जो छोटे छोटे स्विमर्स हैं, छोटे छोटे हैं ये. स्विम करना किसे कहते हैं? तैरना को. वो तैर रहे हैं अपनी मदर के साथ इन अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन के में सब एक साथ लाइन से हैं. आउट ऑफ द रिवर इन टू द नेस्ट. अब वो नेस्ट की तरफ अपने जा रहे हैं रिवर से बाहर निकल के. टाइम फॉर द फैमिली टू हैव अ रेस्ट. अब ये टाइम क्या है फैमिली का? रेस्ट करने का है, आराम करने का है. इसलिए वो नदी में से निकल के बाहर आ गए, घर की तरफ जा रहे हैं अपने. अंडर हर विंग्स मदर डक टक्स टू लिटिल ड्रैक्स एंड थ्री लिटिल डक्स. अंडर हर विंग्स मदर डक टक्स. अब मदर डक जो है उन्होंने अपने बच्चों को अपने विंग्स के नीचे ले लिया है, पंखों के नीचे. टू लिटिल ड्रैक्स, उसके दो तो छोटे ड्रैक्स हैं, बतख हैं, और थ्री लिटिल डक्स हैं, और तीन छोटी छोटी बतखें हैं. सो योर पोएम इज कम्प्लीट एंड लर्न दिस पोएम फर्स्ट फोर लाइन्स. ओके.